मेरा नाम आशुप्रज्ञ मिश्रा है और मैं कानपुर का बेसिकली रहने वाला हूँ। बाय प्रोफेशन मैं पत्रकार हूँ और इससे पहले मैं राजस्थान पत्रिका जयपुर में और कई बड़े न्यूज़ चैनल्स में काम कर चुका था। मेरी कमर में एक छोटा सा दाद का पीस शुरू हुआ था जिसे मैं एक्चुअल बीमारी तो नहीं बता सकता, सोरायसिस हो सकता है। और वो बीमारी करीब करीब मैंने उसका लगभग हर एक बीमारी में इलाज करवाया, हर एक विधा से इलाज करवाया, आयुर्वेद में करवाया। और मैं इसके बाद फिर एलोपैथी में भी गया, उन्होंने टर्बिनाफिन से ही मेरा इलाज शुरू किया, काफ़ी महंगी दवाई थी। फिर उन्होंने एक सदन बताया कि आप टर्बिना फोर्स लेना शुरू कर दीजिए, मैनकाइंड की मेडिसिन आती है। मैंने वो भी खाई और करीब 4 साल से मैं खा रहा था। भारी तकलीफ में था क्योंकि ठीक होता था 2 से 3 हफ्ते खाने के बाद, लेकिन इसके बाद फिर से इचिंग शुरू हो जाती। परेशानियाँ बहुत ज़्यादा थी मेरे साथ और मेरी कमर में चुकी दिक्कत थी और जब भी मैं बेल्ट लगाता था मुझे दिक्कत होना शुरू हो जाती थी फिटिंग आने के बाद, पसीना आने के बाद में। लेकिन फिर बाद में मैंने जब हिजामा के बारे में पढ़ना शुरू किया और मैंने चीज़ों को समझने की कोशिश की कि ये केवल एक धार्मिक एक्सपेक्ट की चीज़ नहीं है कि आप इसे आयुर्वेद में रक्त मोक्षण कहें या उर्दू में हिजामा कहें या कुछ भी कहें, लेकिन ये शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसके बाद फिर मैंने जयपुर में माधव विलास हॉस्पिटल है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है, वहाँ पर पंचकर्म विभाग के विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर निरंकार गोयल राजस्थान में, मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे पटना में इस क्लिनिक के बारे में बताया। मैं यहाँ पर आया, डॉक्टर साहब से मिला और मिलने के बाद मैंने केवल एक सिटिंग हिजामा लिया और हिजामा लेने के बाद एक सिटिंग बाद मेरा 4 साल पुराना दाग गायब हो चुका है, स्किन के कलर में मिल चुका है। आप देख सकते हैं, मैंने उनको पिक दी हुई है, आप देख सकते हैं कि वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और आज मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं सेकंड सिटिंग ले रहा हूँ और भगवान चाहेगा तो अगली सिटिंग में बिल्कुल ये जड़ से गायब हो जाए। धन्यवाद। हिजामा असल में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है उसके अंडर है। आज के डेट में ये स्पेशलिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और वर्ल्ड में कहीं भी ये इस तरह से इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाए नहीं जाते। इसके लिए 40 से 50 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट है, स्टेट प्राइवेट गवर्नमेंट के, उसके बाद एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बैंगलोर में, और प्रपोजल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन भी है। तो ये एक स्पेशलाइज पार्ट है, इस पर थीसिस हो रही है और रिसेंटली इसमें PhD भी होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये अब जो भी जिसकी शुरुआत पहले कहीं अरब से थी, यूनान से थी, जहाँ लोग करते थे, लेकिन आज के डेट में अगर कहीं पर रीजन में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कहीं प्रैक्टिस हो रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको दे रही है परमिशन, और जब से आयुष नया डिपार्टमेंट आ रहा है इसको और ज़्यादा फ्लरिश करने के चांसेस हैं। इसलिए ये एक साइंटिफिक मेथड है। ये अलग बात है कि उसमें रिलीजियस टच है, इंसान जब इसको कर रहा है तो उससे जुड़े हर चीज़ से उनका रिलीजियस टच हो जाना है। तो ये कम्प्लीटली वेल डिफाइंड साइंटिफिक मेथड्स है जो बहुत ज़्यादा एक्यूट से लेकर क्रोनिक केसेस में इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। तो इनके केस में फंगल इन्फेक्शन जो था मामला वो था बहुत ज़्यादा, आपको बताया भी इन्होंने जितने भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल है इंडिया में लगभग इन्होंने उसको किया और बहुत ही अच्छी अग्रिम कहते हैं आप, वो सोसाइटी से आते हैं, पत्रकार अपने आप में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होते हैं चीज़ों को मेडिकल से लेके, तो कोई भी ट्रीटमेंट इन्होंने छोड़ा नहीं। जब ये हमारे पास आए तो हमने वही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया हिजामा से, और फर्स्ट ही सेटिंग के बाद इनका जो जितना भी दाग था, जितने पैचेस थे, वो ख़त्म हो गए। ये सरप्राइजिंग मेरे लिए भी था क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, किसी को 3 से 4 सेटिंग लगता है, किसी को 2 सेटिंग लगता है, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे लिए भी रहा और हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को कराएँ, खासकर वो लोग जो हर जगह से हार मान चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए।